मुझे पूरा विश्वास है ये टमाटर की चटनी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले टमाटर को इस तरह से बारीक रफली कट करके रख लिया है। अगर टमाटर ग्रीन है, ज़्यादा पकी हुई नहीं है, तो उसके ग्रीन पार्ट को निकाल कर रख देंगे, नहीं तो वो पकाने पर भी नहीं पकने वाली है। उसके बाद मैं मिर्च को एक एक इंच के टुकड़े में कट करके रख लूँगी और धनिया पत्ती को भी इस तरह से बारीक कट करके अलग से रख लूँगी। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है। तेल गरम हो जाने के बाद मैंने राई डाली है। राई फूट जाने के बाद मैं मिर्च डाल दूँगी। लगभग 15 सेकेंड बाद उसके ऊपर में ही मैं टमाटर को डाल दूँगी। अब स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लूँगी और बिना पानी डाले इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। पक जाने के बाद इस टमाटर में अपने आप पानी निकलने लगती है, ये देखिए। इस चेक कर लेती हूँ मैं, अच्छी तरह से गल गई है। अगर नहीं गली होगी तो एक बार फिर से ढककर दोबारा से पका लेंगे। अब मैं इस टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, इसी तरह चम्मच में चलाते हुए। एक मिनट में अच्छी तरह से ये मैश होकर रेडी हो जाएगी इस तरह से, ये देखिए। अब इस टमाटर के चटनी में ऊपर से मैं जो धनिया बारीक कट करके रखी थी वो डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी। हमारी टमाटर की चटनी बनकर रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।